बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेटा वेयर हाउस के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है द ईटीएल साइकिल। ईटीएल को कल हम स्टार्ट कर चुके हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ईटीएल साइकिल। द ईटीएल साइकिल एक्सट्रैक्ट द प्रोसेस ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। अब एक्सट्रैक्ट द प्रोसेस ऑफ रीडिंग डेटा फ्राम डिफरेंट सोर्सेज। अब एक्सट्रैक्शन क्या है? डिफरेंट रिसोर्सेज से या डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को रीड करना, एक्सट्रैक्ट करना, जिसको हमने यूज़ करना है। अब डेटा हमारे पास किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्म में होगा जिसको हमने यूज़ में लाना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन का जो एक्चुअली एक्सट्रैक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रीडिंग डेटा फ्राम द डिफरेंट सोर्सेज। अब वो सोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, जिस तरह हमारे पास है www डेटा जो वेब पे है, लेजेंसी सिस्टम्स है, आर्काइव डेटा है, या जिस तरह है MIS सिस्टम है, या अदर एंडिग्रियस एप्लीकेशन जस्ट लाइक कोबॉल, VB, C++ एंड जावा। इसमें भी हमारे पास इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, उसमें हमारे पास डेटा मौजूद है। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमारे पास डेटा है। अब हमने इसको किस तरह यूज़ करना है आगे? तो उसको पहले, उस डेटा को हमने रीड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है कि हमें वो डेटा किस फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आर्काइव्ड में तो उसको भी, सब हर एक डेटा को उस अपने लिहाज से, हर एक डेटा उसके लिहाज से जहाँ पे वो चाहिए होगा, तो वो एक्सट्रैक्ट करके उसको फिर जो यूजेज में लाना है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना अपने सोर्स से। वो सोर्स कोई भी हो सकता है, जिस तरह मैंने ये मल्टीपल सोर्सेज बताए हैं ऑफ डेटा, तो किसी भी फॉर्म में डेटा अवेलेबल होगा। सो जब डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसका अगला स्टेप है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। अब ट्रांसफॉर्म क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द एक्सट्रैक्टेड डेटा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट, जिस स्टेट में अवेलेबल है उसको, उससे एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको जो है ट्रांसफॉर्म करना है, जिसको हमने यूज़ करना है फिर ओरिजिनल स्टेट इनटू अ कंसिस्टेंट स्टेट, सो दैट इट कैन बी प्लेस्ड इनटू अनदर डेटाबेस। सो उसको कहीं और फिट करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब वो डेटा हमारे पास वेब पे है, या वो आर्काइव्ड फाइल है, या वो कोई और एप्लीकेशन जिस तरह VB हो गया, C++, उस तरह के एप्लीकेशंस हैं, तो उसको किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि फिर उसको डेटाबेस में फिक्स कर सके यूजेज के लिए। सो ट्रांसफॉर्म द डेटा, ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्टिंग द डेटा इनटू दैट फॉर्म जिसको हम यूज़ कर सके। सो क्लीनजिंग है फिर उसके बाद, ट्रांसफॉर्म देन क्लीनजिंग विच डेटा शुड बी ट्रांसफॉर्म। टेम्प्रेरी डेटा स्टोरेज उसके लिए रिक्वायर्ड होगा जो उसको ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि ओरिजिनली ये कहीं पे अवेलेबल है, मौजूद है, सेव है, फिर जब उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टेम्प्रेरी बेस पे वो होगा, फिर उसके बाद वो कहीं और सेव हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम आर्काइव्ड फाइल के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि आर्काइव्ड फाइल में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जब उसको हमने इसमें कोई चेंजेस करें उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको फिर एक्सट्रैक्ट करके उसमें कोई भी काम करना है फिर उसको वापस आर्काइव्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आर्काइव्ड फाइल में चेंजेस करना इजी नहीं होता, बल्कि होता ही नहीं है। आर्काइव्ड फाइल में जिप फाइल में कोई चेंज नहीं होती, उसको आप यूज़ करना है तो उसको पहले अनजिप करेंगी, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगी। सो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एक डेटा दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तो ये टेम्प्रेरी डेटा स्टोरेज पे वो होगा, सेव होगा। फिर उसके बाद अगला जो है लोड, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द डेटा इनटू द टारगेट सोर्स। सो जो एक्सट्रैक्टेड है तो वो तो हमारे पास सोर्स हैं, तो सो वेयर वी हैव टू सेव द डेटा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, और आफ्टर जो उसमें हमने एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, तो उसको फाइनली जहाँ पे स्टोर करना है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द डेटा इनटू द टारगेट सोर्स वेयर वी हैव टू स्टोर दैट डेटा, सो दैट कैन बी डेटा वेयर हाउस, और इसमें मल्टीपल फॉर्मेट जिस तरह है OLAP है, तो उस लिहाज से अब वो लोड हुआ है तो वो उसके जिस तरह ऑनलाइन लेटिकल प्रोसेसिंग उसकी एनालिसिस होंगी, तो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा मौजूद है उसकी एनालिसिस होती है, जो कि किसी सोर्स से अवेलेबल होता है। अब ये मल्टीपल सोर्सेज है, अब ये डेटा वेयर हाउस है किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन का, और ये मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा है, मल्टीपल उसके ऑफिसेज है, क्योंकि डेटा वेयर हाउस का जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा
उसके हेड ऑफिस में होगा, जिसमें सारे कनेक्टेड होंगे, उनके अपने जितने भी ऑफिसेज होंगे, चाहे वो नेशन वाइज है चाहे वो वर्ल्ड वाइज है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जितने भी अवेलेबल हैं, तो जहाँ पे भी वो है तो वही डेटा उसके उसको अवेलेबल होगा डेटा वेयर हाउस में, उसको सेंड जो है सेव करना, उसको उसी हालत उसमें लोड कर देना। अब फिर उसी उसी डेटा की फिर एनालिसिस होंगी, ठीक है, और उसको मल्टीपल फॉर्म में वो सेव होगा, जिस तरह मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल ओलेप के बाद मल्टीपल टाइप जो ओलेप के जो टाइप्स जो बताए हैं, तो किसी जिस टाइम में वो अवेलेबल, जिस टाइप के जो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उस फॉर्मेट में वो अवेलेबल होगा। सो उसका जो सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस होगा वहाँ पे वो डेटा सेव रहेगा, जो कि एनालिसिस जो होती है तो उसी सेंट्रलाइज्ड डेटा के बेस पे होती, जितनी भी है जो सारा डेटा अवेलेबल होता है, तो वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन जो है जितने उसके ऑफिस है उनका डेटा अवेलेबल होता है, उसी से उसकी एनालिसिस होती है जिस टाइप की भी करनी है। इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिस तरह ओलेप मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो ये दैट इज़ द फाइनल टारगेट वेयर द डेटा हैव टू बी सेव्ड। सो किसी भी सोर्स से आ रहे, मतलब वो किसी भी ऑफिस से जो उसकी ब्रांच है उससे आ रहा है, उसी फॉर्मेट में फिर उसको कन्वर्ट करना, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और फिर वो फाइनली जो सेव होगा किसी उसका जो अपना टारगेट सोर्स है उस पर सेव हो जाएगा। सो दैट इज़ द लोडिंग ऑफ द डेटा ऑन दैट डेटा वेयर हाउस, जो कि रूट है किसी भी डिपार्टमेंट का, जो रूट होगा जो वहाँ पे जिसका हेड ऑफिस होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हर एक ऑफिस की वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो जिस सोर्स से भी डेटा अवेलेबल हो रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, एंड दैट इज़ द सेंट्रलाइज सिस्टम वेयर द डेटा हैव टू बी सेव्ड। सो यहाँ तक आपको ETL साइकिल की समझ आ गई होगी।